लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। पीलीभीत की तहसील पुरनपुर में तहसील परिसर में बनी टंकी पर एक शख्स चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। शख्स का आरोप था कि तहसील की प्रशासन उसकी जमीन संबंधी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, जिसके बाद आनन फानन में कई अधिकारी मौके पर आए और उसे जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन देकर नीचे उतारा। यह हाई वोल्टेज ड्रामा एक घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि वसीम बैग की पत्नी के नाम पर कुछ जमीन है, प्रशासन ने उसके पट्टे कर दिए और पट्टेदारों का कब्जा करा दिया। बाद में कमिश्नर ने पट्टों को कैंसिल कर दिया। आरोप है कि पट्टेदार अब भी कब्जा करना चाह रहे हैं और आए दिन मारपीट व मुकदमा लिखवाते हैं। प्रशासन सुन नहीं रहा था, इसलिए वसीम बैग जान देने तहसील में बनी टंकी पर चढ़ गया था। पीलीभीत से सतीश दीक्षित की रिपोर्ट। पानी टप गई इसलिए चढ़ना पड़ा मुझे। मेरी पत्नी के नाम जमीन ग्राम खांडेपुर में है, जिसको पत्नी के नाम दर चली आ रही 13/4/2000 से, जिसका गलत तहसील द्वारा आवंटन कर दिया गया था, जिसको मैंने खारिज करवा दिया कमिश्नर साहब। उसके बाद भी इन लोगों ने जो पट्टेदार हैं वो आए दिन हस्तक्षेप करने लगे, जबकि उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा डाल रखा है। उन्हें कोई स्टे या कोई किसी तरह का आदेश नहीं मिला हुआ है। ये लोग बीच में अभी कुछ मतलब करीब 1.5-2 साल से मेरे पीछे जबरदस्ती पड़े। इन्होंने फर्जी मुकदमे भी लिखवाए ज़मीन कब्जा करने के लिए। और अब जो है, जब तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मैंने उच्च अधिकारियों शिकायत की, तो उनके द्वारा मेरे मतलब जो है पक्ष में के शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान ना उत्पन्न करने दिया जाए। इन लोगों को, पट्टेदारों को, इनके पट्टे खारिज हो चुके हैं, ये मतलब आदेश कर दिए हैं पुलिस को और ऊपर ADG साहब वगैरह। उसके बाद भी पुलिस और तहसील प्रशासन किसी तरह का मेरा सहयोग नहीं कर रहा। वो आए दिन मेरे ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर मुझे जो है ज़मीन नहीं जोतने देते और हजन एक का मुकदमा लिखवाने की धमकी देते रहते हैं, जिससे पहले भी वो दो मुझ पर फर्जी मुकदमे लिखवा चुके हैं। इस प्रताड़ना से परेशान होकर मैं पानी टंकी चढ़ के खुदकुशी करने के लिए, जिस पर आप तहसीलदार महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि 2 दिन में तुम्हारा निस्तारण कर देंगे, अगर ये नहीं कराते हैं तो मुझे पुनः यही कदम उठाना पड़ेगा, विवश होना। अच्छा, तहसीलदार ने कुछ और भी कहा था आपके लिए? वो ये कहा था कि मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें जो करना कर लो। किस जगह का मामला है ये? पूरनपुर तहसील, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, ग्राम खांडेपुर की जमीन का। देखिए, ये वसीम नाम का व्यक्ति है जो शेरपुर में रहता है। इसकी पत्नी के नाम ग्राम खांडेपुर में जमीन है। उस जमीन में पूर्व से तमाम मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से तहसीलदार न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन है। उसमें वसीयत के आधार पर इसकी पत्नी को जमीन मिली और उस अधिकांश हिस्से पर इसका कब्जा है। लगभग 12-13 एकड़ भूमि पर कुछ पट्टेदारों ने कब्जा कर लिया है, जिससे खाली कराने के लिए इसने हमारे ये पानी की टंकी पे चढ़कर ये मांग कर रहा था कि उनसे खाली कराया जाए। प्रकरण संज्ञान में है हम लोगों के, और इसको समझाने पर कि भाई इनके विरुद्ध अवैध जो भी कब्जा करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, वसीम मान गए और ऊपर से नीचे आ गए। तो अब इस संबंध में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है और हम इस समस्या का निस्तारण कर देंगे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।